आप सबको आर्ट या कला अगर कहा जाए तो क्या मतलब निकालोगे? हाल ही में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था या एक्चुअली यूट्यूब में एक ब्लॉग देख रहा था, जिसमें ना कहीं कोई म्यूजियम में, आर्ट म्यूजियम में किसी ने एक केला बनाना, जो बड़ा वाला आता है ना, उसको दीवार पे रखा, टेप मारा और उसको बोला आर्ट है, और किसी ने $1.2 million उसके लिए दिया। नो, मजेदार चीज क्या हुआ कि वहां म्यूजियम में कोई बंदा आया था जिसको भूख लग रहा था, उसने केला निकाला, खा लिया, ठीक है, और केले के छिलके को वापस वही टेप से चिपका दिया। अब क्या हुआ इस आर्ट का? सो माना जाए तो आर्ट है, नहीं मानो तो केला बनाना, राइट? वीडियो के एंड में आप देख सकोगे कि कैसे इसको पैक करेंगे आप, ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके। बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एक्वेरियम को पैक कैसे करना है, देखना जरूर। मेरा वीडियो हमेशा इंटरेस्टिंग होता ही है। अब आपके ऊपर है कि आप अपना फ्री का लाइक खर्च करना चाहते हो कि नहीं। फ्री फ्री है, फ्री है, खर्च करो, बिंदास लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, तभी और मजा आता है मुझे। ओके, आज हम एक 30 सेंटीमीटर का टैंक लेके एक ऐसा एक्वास्केप बनाने वाले हैं जहां पे वुड सब नीचे है, प्लांट्स टैंक के ऊपर। मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद है, मैंने पहले भी बनाया है, बट आज एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कहानी में। कहानी का ट्विस्ट, सविता जी। सविता जी है, वो मुझे यूट्यूब में फॉलो करती है, एंड उन्होंने और उनके हस्बैंड ने आके कहा कि एक टैंक बना के दे, तो मैंने बोला आप वीडियो बना के दो, तो ये रही, राइट? या सो सविता जी, आप एक आईटी प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं मानता हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग कुछ नहीं जानते, सॉरी जोक्स अपार्ट, बट क्या आपका जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, किस चीज के लिए बनाते हैं? ओके, आई वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड टाइमस, हम लोग जीआरसी सॉल्यूशंस में है, तो गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस, ये जो कंपनी को लगता है उनके गवर्नमेंट पॉलिसीज को अडेयर करने के लिए, तो दैट्स व्हाट वी मेक, वी आर इनटू दैट, वी आर इनटू ओपन पेजेस जो IBM का है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूं, बातचीत करते रहेंगे, ओके, एंड ये एक्वास्केप भी बनाएंगे, एंड बातचीत में मैं समझता हूं, बिकॉज कोई भी प्रोफेशन में एक स्ट्रेस फैक्टर बहुत होता है। इट इज स्ट्रेसफुल, यस, एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल, एंड फ्रॉम अ हाउसवाइफ पर्सपेक्टिव आपको नौकरी भी करना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, फैमिली भी संभालना पड़ता है, एक प्रोफेशन में उनको सैलरी अच्छा मिलता है एंड एक प्रोफेशन में कोई पूछता नहीं, ठीक है, एक अनपेड जॉब और एक पेड जॉब, राइट? सो मैम का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, एंड एक एक्वेरियम या एक्वास्केप उनके लाइफ में क्या हैप्पीनेस लाता है, ये हम आज जानने वाले हैं, ठीक है, चलो। सो मैम, ये एक 30 सेंटीमीटर टैंक है जिसमें फिल्ट्रेशन पीछे, यहां पे मैं आपका जो रिक्वेस्ट है कॉन्सेप्ट का, जो क्यों ना आप ही समझा दो, व्हाई डिड यू वांट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? एक्चुअली आई हैव सीन, वी स्टार्टेड दिस एज अ हॉबी एंड वी वेंट टू लॉट ऑफ एक्वेरियम्स वेयर दे हैड दैट इंटरनल स्टफ, कि अंदर होता है, अंदर, हाँ, टैंक के अंदर प्लांट्स है, वी गॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट, एंड देन व्हेन वी सॉ योर वीडियोस एंड देन वी रियलाइज्ड कि अरे ये प्लांट्स तो ऊपर भी हो सकते हैं, एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड कमिंग अप, कि एक टैंक ऐसे करके देखते हैं। सो पहला स्टेप जो है, हमने थोड़ा सा सैंड डाला है यहाँ पे, बिकॉज हम ज्यादा प्लांट्स कुछ नहीं डाल रहे अंदर, सॉइल या वगैरह ज्यादा डालने का जरूरत नहीं है, ओके? सर, आप बॉटम में कुछ वो वाटर क्लियरिंग के लिए डालते हैं, वो मुझे भी याद नहीं आया। अरे हाँ, मुझे भी याद नहीं आया, वाटर केयर प्लस,
सो थोड़ा ये सैंड पीछे कर देते हैं, ओके एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सैंड में भी डाल सकते हो, आप डायरेक्टली पानी में भी डाल सकते हो। ये पहला जो ब्राउन कलर है बैक्टीरिया है, डायरेक्ट टैंक पे डाल दीजिए। अगला ये जो कार्बन है, ओके, इसको हम इलेक्ट्रोप्लस बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रोप्लस बेसिकली जो सोया हुआ बैक्टीरिया है उसको जगाता है। अब कोई भी चीज जब बहुत सो के उठता है तो भूख लगता है। हाँ, so ये खाना है बैक्टीरिया के लिए, कार्बोफिट। okay? कार्बोफिट है, खाना है बैक्टीरिया के लिए। एंड फाइनली ये वाटर पॉलिश प्लस जो है पानी को पॉलिश करता है। ओके, तो ये भी डाल देते हैं। इसका डालने का कोई ये नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि ये पहले डालो वो पहले डालो। आइडियली अगर सॉइल के नीचे या सबस्ट्रेट के नीचे है तो बेटर है। हमने रफ लेवल किया है, कुछ ये नहीं है, बिकॉज इसके बाद हम इसके इसका वुड वगैरह हम लोग डालने वाले। आपका एक्सपीरियंस एक्वेरियम का बचपन से था या शादी के बाद? नो, ये तो बाद में स्टार्ट हुआ। एक्चुअली लॉकडाउन हुआ एंड हमारे मतलब माय इन-लॉज जस्ट स्टे अबाउ मी एंड दे हैड दिस टैंक जो फूट गया लॉकडाउन में। तो हमको वो फिश रखने के लिए और नया टैंक लाने के लिए वी हैड टू यू नो वी यूज्ड टू गो अराउंड एक्वेरियम टू एक्वेरियम पुटिंग दैट टैंक बिहाइंड इन आवर कार। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। वी वेंट टू डिफरेंट एक्वेरियम्स एंड वी सॉ ऑल दैट एक्वास्केपिंग दैट इज डन। और फिर वहां से वी थॉट कि हाँ, हमारे घर पे भी एक हम एक्वेरियम बनाएंगे। सो बेसिकली एक्वेरियम के हवस में लॉकडाउन में आप घूम रहे थे? यस, दैट इज हाउ इट वाज एक्चुअली। यस नहीं, एक और अच्छा मैडम का क्वेश्चन, और ये लॉकडाउन में क्यों घूम रहे थे हस्बैंड के साथ गाड़ी लेके टैंक भी रख के, वो बात करेंगे। यहाँ पे हमने एक दो पीस वुड जॉइन किया है, दो स्टोन भी उसमें अटैच किया है। ये स्टोन हमने वुड को इसलिए अटैच किया है ताकि ये हैवी रहे एंड फ्लोट ना हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वुड पे अनुबियस गोल्ड डाला है, ओके, बिकॉज वो भी आपको अच्छा लगा। अनुबियस इज गुड, इज अ गुड, इज अनुबियस इज गुड। ओके, नाउ आप सब के लिए, अगर आप देखना चाहते हो कि वुड और वुड एंड वुड एंड स्टोन कैसे चिपकाया जाता है, तो आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो या यहां पे भी देख लो एक मिनट में। ओके, दो पीस वुड के बीच में आप थोड़ा सा कॉटन डालोगे, थोड़ा सा ग्लू डालोगे, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉइल डालोगे, सॉइल का पाउडर डालोगे, उसके ऊपर फिर से ग्लू डालोगे, एक सीमेंट जैसा बनेगा और वो दोनों चिपक जाएगा। सिमिलरली स्टोन के लिए भी सेम प्रोसेस है। नाउ अनुबियस जब आप यूज करते हो तो सिंपल मेथड है, ठीक है, पॉट से निकालो, यूजुअली स्पॉन्ज आता है नीचे, अगर टिश्यू कल्चर पॉट है और जेल आता है तो जेल निकाल दो या स्पॉन्ज निकाल दो, अच्छी तरह से निकाल दो। ये रूट्स काटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज ये रूट कट जाएगा तो नया रूट आएगा, जल्दी अनुबियस बढ़ेगा। सो नाउ मैडम का टैंक मोर ऑर लेस रेडी है। मेरे लिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए। आपका जॉब स्ट्रेसफुल है, ऑलरेडी आपको टाइम कम है, सुबह से शाम ऑफिस, बट आप कह रहे थे कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो ज्यादातर, ओके, बट सी यू कांट, वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम पास करो, ऐसा नहीं है, यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम या समबडी इज कॉलिंग यू, ये तो चल ही रहा है। इट बिकम्स मोर स्ट्रेसफुल एक्चुअली बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू आर ऑल्सो इन द ऑफिस एंड यू आर ऑल्सो इन द हाउस, सो यू हैव टू डू दैट ड्यूअल ड्यूटी कंटिन्यूअसली। इफ यू गो टू द ऑफिस यू आर लाइक यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर होम, यू आर जस्ट देयर इन द ऑफिस। ये जो मोर डिफिकल्ट, ये जो एक्वेरियम का हॉबी है, हाउ डज दैट हेल्प यू? एक्चुअली वॉट हैपन्स इज लाइक यू आर कंटिन्यूसली डूइंग योर हाउस ऑफिस एंड वेन दिस कम्स इन यू फॉरगेट दैट पार्ट ऑफ योर दैट पार्ट दैट जब स्ट्रेस ऑफिस का बहुत सारा स्ट्रेस था या घर पे बहुत सारा काम था, ये भूल जाते हो आप सब कुछ। वो एक आधा पौना घंटा एक घंटा जो भी आप क्लीनिंग करोगे या फिशेस को खाना खिलाओगे तो उसमें भूल जाते हो। सो दैट गेट्स यू, यू नो, दैट गेट्स यू योर मी टाइम बैक। सो मी टाइम इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड। ये सही बात है मैम, मैं तो मैंने नौकरी छोड़ दी बिकॉज मेरे को सिर्फ मी टाइम चाहिए था। ओके, सो द पैशन वर्क्स। एक्वेरियम के अलावा आपके और हॉबीज हैं? आई लाइक गार्डनिंग, आई हैव अ स्मॉल गार्डन आउटसाइड
So this works both ways, right? There is an aquarium as well as a garden on top of it. So it mixes my both the hobbies together. अच्छा, एक एक important question है. Husband आपका hobby है? नहीं. नहीं है, नहीं है, नहीं है. Husband problem है, hobby नहीं है. नहीं नहीं, आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, किसी ने सुना भी नहीं. ओके नहीं, बट सी जोक्स अपार्ट, सी बिकॉज ज्यादातर लोगों के लिए यू नो आज के डेट में ओके यंगस्टर्स आप भी यंग हो, मैं भी यंग हो, हम लोग 16 साल के ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बट यंगस्टर्स के लिए आज के डेट में दे आर सो स्ट्रेस्ड विद वर्क, अर्निंग मनी, यू नो गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ये वो, इतना सारा लाइफ में स्ट्रेस है. What do you think एक हॉबी उनके लिए क्या मायना रखना चाहिए या हॉबी होना चाहिए क्या उनके लिए आजकल के लिए? Since the life is getting more and more stressed, even the kids are busy, and then there is a lot of pressure, peer pressure and everything. This will be a good thing to break off from your. मतलब कोई भी हॉबी. कोई भी हॉबी for that matter. For me this, but for whatever they like, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा actually. If you have a hobby at all in your life. That will help. Hobby is good for everybody. Correct? Yes, definitely. मैं मानता हूँ कि you know hobby होना is one of the first steps to a healthy mind. Yes. ये सही है मैम. हाँ. And then it helps you also in your office and any other stressful things you are handling. So your hobby so actually एक, helps. So एक क्या होता है जो regular stress का जिंदगी है या you know pressure का जिंदगी है, जब hobby होता है so then it kind of helps you release that pressure or stress. Definitely. So then you can come back and do work better. Better. मतलब productivity increase होता है. Definitely. 100%. Fantastic. 100%. सब आप ही आपको ही करना पड़ता है कि husband भी help करते हैं? Oh no, he helps into it. So we this is a kind of नहीं नहीं. Credit card दे देते. Credit card नहीं. Actually time cleaning and he helps into a lot of it. अच्छा, so मतलब ये है कि पति पूरा संभालते हैं, madam stress release करते हैं. ये मैटर है. नहीं, बट स्टिल चलो इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं. इसका नेक्स्ट स्टेप है प्लांट डालना ऊपर. ओके सो ये पोर्शन में हमने ज्यादा वुड दिया है ताकि ये एक बेस बन सके, कोई भी ऊपर वाला या गार्डन वाला प्लांट जो हम यूज करेंगे उसके लिए ये बेस बने. ओके नाउ ये देख ही रहे हैं तो यहां पे इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यहां पे हम बायोमीडिया डालेंगे, यहां पे स्पॉन्ज है, पानी इधर से अंदर आएगा, इधर से यहां जाएगा, इधर से ये कोने में जाके फिर यहां से बाहर आएगा एक लिली पाइप जैसा. ओके ये अभी सेट है मैम. राइट. ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फिल्ट्रेशन में ऑलरेडी थोड़ा इसमें स्पॉन्ज है. राइट ये स्पॉन्ज है ऐसा. इसको थोड़ा बेटर बनाएंगे और हमारा मीडिया डालेंगे बिकॉज स्पॉन्ज में जो पोरोसिटी है ओके थोड़ा कम होता है मीडिया से. ज्यादा बैक्टीरिया होने से ज्यादा हेल्थी रहेगा आपका सिस्टम. ओके ठीक है. सो हमारे मीडिया में ये वाटर केयर आता है जो हमने नीचे डाला था, नेट बैग भी आता है. ठीक है मेरे पास ऑलरेडी एक नेट बैग है, ये लीजिए, ये आप पकड़िए. ये मीडिया को ना इसमें हम ऐसे डाल देंगे नेट बैग में. ओके एंड इसको यहां पे ऐसे बिठा देंगे ताकि जब पानी आए तो पानी इसमें से होके आगे जाए. बचपन में आपका क्या हॉबी था व्हेन यू आर अभी अभी आप बहुत यंग हो बट वेरी यंग बोल रहा हूं. बचपन में आपका क्या हॉबी था एज अ किड? I was a kitabi geeda. I used to love to read books a lot. And then gardening was also there. Gardening was always there. So, matlab plants ka, nature ka connection has always been there. It has always been there. Ye main question hamesha logon se puchta hu and I always get a different answer. I think har ek answer correct hota hai. Jab aap kudrati cheez kahin jate ho ya kudrati jagah pe jate ho, kudrati cheez koi dekhte ho, to aapke man mein kya hota hai? It's a joy to see the nature. Na? You see a lot of plants and greenery, you feel satisfied. And you also, when you have your own garden, to acha lagta hai. Aapne kuch plant kiya hai, grow ho raha hai, aapne apki mehnat jo bhi dali hai, wo dikh rahi hai. So that is the satisfaction you get out of it. So that's the fun part of gardening. That's what I feel.
सो यहाँ पे मेरे पास एक 3-4 वैरायटी के प्लांट्स हैं। ज्यादातर जैसे ये फिटोनिया है, ये रेड फिटोनिया है, और ये बिगोनिया, दोनों गार्डन प्लांट्स जो आप गार्डन में भी उगा सकते हो। बट इनका एक एबिलिटी है जो ये पानी में भी ग्रो हो सकते हैं, मतलब पानी से न्यूट्रिशन लेके ग्रो कर सकते हैं। ये एक फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज है, ओके। सिमिलरली ये ज्यादातर रिवर्स के बाजू में, लेक के बाजू में वो सब ग्रो होता है, ओके। एंड ये भी अगर एक्सेस पानी है तो अच्छा ग्रो कर सकता है। ओके, सो इट विल वर्क फॉर बोथ लैंड एंड वाटर, बोथ। ओके, सो ऑल ऑफ दीज प्लांट्स। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पे थोड़ा एक्वाटिक मॉस या क्रिसमस मॉस है, एंड यहाँ पे हमने अनुबियस गोल्ड यूज किया है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ 4-5 अनुबियस और डालो। ओके, सो पहले अंदर का खत्म कर देते हैं, देन ये फाइनली ऊपर का हम लोग रेडी करेंगे। नाउ अंदर का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सी, बिकॉज आज अभी मैं बना रहा हूं बट मेंटेन आपको करना है, तो जरूरी है कि आपका हाथ इजिली पूरा टैंक में हाथ जाए, क्लीन हो सके, राइट। इसलिए मैंने पूरा गैप दिया है आपको, ठीक है? ठीक है, क्लीन करने के लिए हाथ से बेहतर कुछ नहीं है। ओके, इट्स ऑलवेज द बेस्ट, और यू कैन यूज अ सॉफ्ट स्पॉन्ज, ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, उसको आप क्लीन कर सकते हैं। 30% वीकली वाटर चेंज। मैंने पूछा ही नहीं आप फिश कौन सा डालने वाले। मैं सोच रही थी टेट्रा या बेटा भी अच्छा लगेगा इसमें। अच्छा, बंच ऑफ टेट्रास रख सकते हैं, बिकॉज दिस विल लुक लाइक अ ब्लैक वाटर बायोटोप, बहुत ही नेचुरल है। हाँ, अगर आप टेट्रास रखना चाहते हो तो नीचे थोड़ा वो आलमंड लीफ या अच्छा ऐसा कुछ भी, यू नो, कोई नेचुरल, आपका वॉलनट का शेल, हाँ, कुछ भी ऐसे डाल के इट बिकम्स व्हाट वी कॉल एज अ ब्लैक वाटर बायोटोप। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप बेटा डालना चाहते हो तो सेम थिंग वर्क्स। सो लेट्स पुट अनुबियस। ये हमारे पास कुछ अनुबियस है, हाँ, जो हमने ऑलरेडी स्टोन में चिपकाया हुआ है, आप इसको बांध भी सकते हो, नॉट एन इश्यू। तो चलो ये आपसे रखवाते हैं, ये लीजिए। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉस डालेंगे। यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, ये हमारा वाटर का लेवल है, यहां से पानी अंदर जाने वाला है, तो इसके ऊपर पानी नहीं आएगा टैंक में, ये लेवल लास्ट है। सो यहां पे क्या करेंगे, ये लेवल को रख के हम इसके नीचे डालेंगे। सो यू कैन टेक, यहां पे मॉस डाला है हमने, यहां पे पानी है वो टच हो रहा है, थोड़ा हमने ऊपर भी डाल दिया। ओके, तो ये भी ग्रो होगा पानी के ऊपर भी होगा एंड बहुत सुंदर दिखेगा। सिमिलरली यहां पे थोड़ा डालते हैं। ओके सर, ये मॉस को चिपकाने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू ग्लू इट डाउन। सी, अगर ये पानी के अंदर होता, हाँ, यहां पे कहीं पे होता, right, तो मैं चिपकाता बिकॉज वो पानी के वजह से उठ जाएगा। बट ये बिकॉज वो पानी के सरफेस को टच कर रहा है, इट्स एंड बट इट्स पानी के ऊपर है, इट्स आउट ऑफ द वॉटर, आउट ऑफ द, तो उसको चिपकाने का जरूरत नहीं, ठीक। एंड चिपकाने से क्या होता है, बिकॉज इट्स अ केमिकल ग्लू, प्लांट्स को तकलीफ होता ही है। ओके, इट्स अ ट्रू फैक्ट। सो जहां तक हो सके अगर आप चिपकाओ नहीं तो बेटर है, ठीक है। ओके, सी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फिटोनिया को एक्चुअली ये बड़ा वाला प्लेस कर देंगे पहले। ओके, नाउ जब आप ये प्लांट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो जरूरी बात है कि आप ये एक्स्ट्रा रूट्स जो है ये सब काटते। अगेन लाइक आई एक्सप्लेन्ड, अगर रूट्स कट जाता है तो द प्लांट इज फोर्स टू ग्रो न्यू रूट्स, ग्रो फास्टर, या एंड इट विल ग्रो फास्टर एंड बेटर। एंड देन अगेन ये जितने भी ओल्ड लीव्स है ये सब निकाल देना बेटर है। सो नाउ यहां पे गैप है मैम, राइट, सो मैं ये प्लांट को ये गैप में रखने वाला हूं ताकि ये गैप से उसको पानी मिले, बिकॉज अगेन हमको ये हाइट देखना पड़ेगा बिकॉज वो रूट्स पानी में होना बेटर है। इसको हम वुड के साथ बांध भी सकते हैं। सी यहां पे वुड में एक ये है गैप है, तो ये मैं इसको अंदर गैप में घुसा के यूज कर सकता, उसको मैं टाइट कर सकता हूं, राइट, उसके लिए ग्रिप बन गया। हाँ,
आइडियली कोशिश हमें ये करना है कि वो चिपकाने का वो सब काम ना करें, बिकॉज वो ऑलरेडी वुड में, जैसे मैंने दिखाया वो गैप है या वो वुड का एक वो टुकड़ा है, तो वो नेचुरली एक एंकर बन गया। कुदरत में भी यही होता है, नेचुरली जब कोई प्लांट टूटता है और रिवर में फ्लो होता है तो ऐसे जगह पे आके वो एंकर हो जाता है एंड वो रूट्स ग्रो करता है एंड उधर ग्रो करने लगता है। नो कैसा लग रहा है मैम आपको? वेरी प्रिटी। यहाँ पे थोड़ा और गैप है, सो एक काम करते हैं, ये जो फिटोनिया स्पीशीज है यहाँ पे डालेंगे। सी नाउ ये गार्डन प्लांट है, इसके लिए जब आप गार्डन में जाके लेके आते हो, नर्सरी में जाके लेके आते हो, ये पूरा मट्टी रहता है, बट अगर ये मट्टी हम एक्वेरियम में डालेंगे तो गंदा होने वाला है और ये मट्टी हमें चाहिए नहीं, तो ये जितना हो सकता है ये हम मट्टी निकालेंगे, फिर इसको वॉश करेंगे, इसमें मट्टी कुछ नहीं है, नहीं है। ओके, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा स्पैग्नम मॉस है, स्पैग्नम मॉस इजिली कोई भी दुकान में मिलता है। अच्छा, ओके, स्पैग्नम मॉस नहीं मिला, हाँ, अगर ये स्पैग्नम मॉस नहीं मिलता है तो देन ये जो कोकोनट हस्क रहता है वो भी चलेगा, तो आप उसको ऐसे रख के, ओके, आप थोड़ा इसको बांध देंगे रूट्स के ऊपर रख के, थोड़ा रूट्स बाहर आ रहा है, ओके, राइट, एंड थोड़ा मैंने उसको सपोर्ट दिया है, इसको आप बांध सकते हो, धागे से बांध सकते हो, नॉट एन इश्यू, ये गैप में रखेंगे, ओके, ये गैप में रखेंगे ताकि सामने थोड़ा कलर आए, गैप भी फिल हो गई, गैप भी फिल हो गया और थोड़ा कलर भी आ गया, ओके, यस, उसके ऊपर हम क्रिसमस मॉस डाल देंगे, ठीक है, राइट, सो नाउ यू आर रेडी। एक फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज है जो बड़ा हो सकता है, आप काट के फिर से दूसरी जगह लगा सकते हो, सो ये अभी थोड़ा इवन दिख रहा है एंड वो अपने आप ग्रो होता रहेगा एंड आप ट्रिम करते रह सकते हो, जहां पे ये कटा हुआ या टूटा हुआ पोर्शन है आप उसमें भी क्रिसमस मॉस डाल सकते हो और वो कवर हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक ड्रामेटिक इफेक्ट भी चाहिए ना, अब मेरे वीडियोस में सब ड्रामा ही होता है, ड्रामेटिक इफेक्ट चाहिए। यहां पे मैं एक बिगोनिया डाल रहा हूं, मैंने यहां पे मॉस के ऊपर रखा है, यहां पे अटका दिया है, ओके, ये रूट मॉस में पकड़ेगा, वुड में भी पकड़ेगा और थोड़ा बाहर भी आएगा। ओह, इट लुक प्रिटी, अच्छा दिखेगा बहुत। सो इन प्रिंसिपल आपका टैंक रेडी है, ओके, आपको क्या लगता है? इट्स लुकिंग प्रिटी, लेकिन पानी भरना है अभी, पानी भरना है, यस, ठीक है, हम यहां पे पानी भरेंगे तो आप घर कैसे लेके जाओगे? वीडियो के एंड में आप देख सकोगे कि कैसे इसको पैक करेंगे हम ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके। बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एक्वेरियम को पैक कैसे करना है, देखना जरूर। हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं कि हॉबी क्यों यूजफुल है, हॉबी कैसे काम करता है, यू नो, बचपन से आप गार्डनिंग हॉबी में हो तो ये एक ट्रांजिशन है, ये गार्डनिंग का गार्डनिंग भी है, एक्वेरियम का एक्वेरियम भी है, तो आपके मन में क्या चल रहा है मैम, आप कहां पे लेके जाके रखोगे अपने घर में? इट्स विल मोस्ट बी माय सेंटरपीस, बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि फिशेस भी है, इट्स ग्रोइंग एंड देन देयर इज लाइफ स्टफ, तो बहुत अच्छा दिखेगा, दिस इज गोइंग टू बी माय सेंटरपीस इन द हाउस, चलो डेफिनेटली इन द लिविंग रूम। चलो अभी अच्छा है बिकॉज अपना भी काम हो गया, एक मैडम के घर के लिए एक सेंटरपीस हो गया, उनके स्ट्रेसफुल जॉब के लिए एक डाइवर्जन हो गया, ठीक है, डेफिनेटली, एंड मैं तो चाहता हूं कि ये ये जो छोटा सा एक्वेरियम है ये आपके लिए यू नो जितना भी आपका डिस्ट्रेस हो सके इससे हो, एंड यू नो आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, यस डेफिनेटली, बहुत मजा। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से हमारे व्यूअर्स, मैम आपने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत एंजॉय किया और सीखा, सो दोनों साथ में हुआ, सो बहुत एंजॉय किया, बहुत सीखा, एंड बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सीखते हैं तो लाइक करना पड़ता है, यस, करेक्ट, राइट, ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज लिमिटेशन नहीं है आप, सो बिकॉज सी कुदरत में बहुत अमेजिंग चीजें हैं,
कौन सोच सकता है कि ये पानी में भी ग्रो हो सकता है, यू नो, जमीन में भी ग्रो हो सकता है. ये सब बहुत ही अमेजिंग चीज है. एंड जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, तो ये सब जानोगे नहीं, सीखोगे नहीं, मजा नहीं लोगे. ओके, सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से आज सविता जी, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. और भी वीडियोस बनेंगे, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलेंगे. आप जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हो व्यूअर्स के लिए? मैम, व्हाट आई वुड वांट टू से इज कि एक्वेरियम और गार्डनिंग का ये बहुत अच्छा मिक्सचर है. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कंटिन्यू एज एन हॉबी. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज जस्ट द बिगनिंग. इसके और आगे भी जाऊंगी और बड़े वाले भी बनाऊंगी, आई एम श्योर ऑफ इट. So probably you guys might also want to try hand at it. Just okay. Keep going. So एक important message मिला है. Try करते रहो, मजा लेते रहो, ठीक है? जल्दी मिलते हैं. Bye bye.